सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा ने यूपी को अराजकता में झोंक दिया है। गोरखपुर में व्यापारियों के साथ सीएम योगी ने किया संवाद, सर्किट हाउस में व्यापारियों के साथ किया संवाद। फरुखाबाद में सावन माह में महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष हुए शामिल। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बालिकाओं और महिलाओं को सिखाया आत्महत्या के उपाय। अमरोहा में मोहर्रम जुलूस में हुए हादसे का मामला, सपा नेता आजम खान अमरोहा पहुंचे, घायल मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। मैनपुरी में वाहन चोर गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा, महिंद्रा पिकअप समेत तीन मोटरसाइकिलें हुई बरामद। गोरखपुर में महिलाओं को झांसा देकर जेवर लूटने वाला अंतर जनपदीय लुटेरा सुरेंद्र तिवारी हुआ गिरफ्तार। अयोध्या में कुमारगंज और खंडासा क्षेत्र में हुई चोरियों का हो रहा खुलासा, सरगना वकील समेत तीन साथी चोर गिरफ्तार। होना में वाडोल साहब में अज्ञात कारणों से लगी आग, आग से नकदी समेत करीब 6.5 लाख रुपए का नुकसान। सीतापुर के सिदौली स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में 14 वर्षों तक अनवरत होगा राम नाम जप संकीर्तन।